हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं ऐसे 5 व्हाट्सएप हैक्स जो आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पहला स्टेप करना है, आप लोगों के पास एफएम व्हाट्सएप ऐप होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। डाउनलोड कर देने के बाद इंस्टॉल कर देना है, फिर आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट इसमें लॉगिन कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ आज का हमारा पहला हैक क्या है। इसका नाम है हाइड व्यू स्टेटस। ये कैसा हैक है, मान लो अगर आपके फ्रेंड ने स्टेटस रखा है तो आपने उसको देखा, उसको पता ही नहीं चल जाएगा कि आपने देखा है, उसको व्यू ही नहीं आ जाएगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो उसके लिए हमें जाना है एफएम व्हाट्सएप ऐप में, इसको ओपन कर देना है। यहाँ हम आ गए एफएम व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पे। तो आपको ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना है पहले। जब आप थ्री डॉट्स पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन एफएम मोड, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद पहला ही ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर स्टेटस के ऑप्शन में आ जाना है और हाइड व्यू स्टेटस इसको अनेबल कर देना है। तो आपका काम हो जाएगा। ये हमारा पहला ट्रिक था, ये वर्क कर चुका है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। हमारा जो आज का दूसरा हैक है वो है एंटी डिलीट स्टेटस। मान लो अगर आपके दोस्त ने स्टेटस रखा पहले, फिर डिलीट कर दिया, किसी वजह से उसको पसंद नहीं आया या कुछ भी था उस स्टेटस में, उसने डिलीट कर दिया। अगर आपके पास ये ऑप्शन अनेबल रहा तो आप उस स्टेटस को फिर भी देख सकते हैं, वो डिलीट नहीं होगा, आपको फिर भी आप देख सकते हो स्टेटस। इसके लिए हमें क्या करना है, ये एंटी डिलीट स्टेटस है, इसको अनेबल कर देना है। ये इसी के पास ऑप्शन आ जाता है, इसके लिए मैं स्टेप्स नहीं बताऊँगा, जो पहले स्टेप्स हमने फॉलो किए वही स्टेप्स फॉलो कर देने हैं। इसके नीचे वाला फिर हाइड व्यू स्टेटस के नीचे वाला जो एंटी डिलीट स्टेटस ऑप्शन आएगा उस पर हमें क्लिक कर देना है, इनेबल कर देना है, फिर हमारा दूसरा हैक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा हैक स्टार्ट हो जाता है। इसको आप एफएम व्हाट्सएप का फीचर भी बोल सकते हैं। इसका नाम फंड स्टाइल है, इस तीसरे हैक का जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो कैसे करना है। तो इसके लिए आपको आ जाना है अपने व्हाट्सएप की एफएम व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पे। फिर यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना है, फिर पहले ऑप्शन एफएम मोड्स पे क्लिक कर देना है, फिर हमारा जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा यूनिवर्सल, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास स्टाइल्स लुक एंड फील, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद फंड स्टाइल, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको जो भी फंड इसमें पसंद आए वो आप अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं, वो आप अपने व्हाट्सएप पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितने यहाँ पर फंड्स अवेलेबल हैं, आपको जो अच्छा लगे वही आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये तीसरा हैक ख़त्म हो जाता है, यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो चलते हैं हम आज के चारवें हैक की तरफ। इसका नाम है 5 मिनट स्टेटस। जी हाँ, आप एफएम व्हाट्सएप पे 5 मिनट स्टेटस लगा सकते हैं, लेकिन ये वही लोग देखेंगे जिनके पास एफएम व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है। जो लोग एफएम व्हाट्सएप चलाते हैं वही लोग आपका 5 मिनट का स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये इनेबल करने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप की होम स्क्रीन पे आ जाना है, फिर थ्री डॉट्स का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पहला ही ऑप्शन आएगा आपके पास एफएम मोड्स पे, क्लिक कर देना है। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास होम स्क्रीन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके पास चौथा ऑप्शन आ जाएगा स्टेटस का, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 मिनट स्टेटस, इसको इनेबल कर देना है। तो हमारा जो आज का 5वां ट्रिक है कि आप अपने कॉन्टेक्ट के जिसके साथ आप चैट कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल पिक और नेम, उसके दोनों हाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर दोस्तों के इसका नेम भी हाइड है और प्रोफाइल पिक्चर भी हाइड है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको ये कैसे करना है। इसके लिए आपको जाना है पहले थ्री डॉट्स पे ऊपर, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पहला ही ऑप्शन वहाँ पर आ जाएगा एफएम मोड, उस पर क्लिक कर देना है। फिर हमारे पास आ जाएगा वहाँ पर कन्वर्सेशन स्क्रीन, इस पर क्लिक कर देना है।
कन्वर्सेशन स्क्रीन के क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा एक्शन बार, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा हाइड कॉन्टेक्ट प्रोफाइल पिक्चर, इसको इनेबल कर देना है, और हाइड कॉन्टेक्ट नेम इसको भी इनेबल कर देना है। इन दोनों को इनेबल कर देने के बाद आपका काम हो चुका है। आप देख सकते हैं चेंजेस आ गए हैं एफएम व्हाट्सएप में, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।